21 लोग हैं भारत में जिनके पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा पैसा है। ये 21 लोग अरबपति हैं। ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में 2020 में 102 अरबपति थे और 2022 में ये 166 हो गए हैं। कोरोना महामारी शुरू होने से लेकर नवंबर 2022 तक इन अरबपतियों की संपत्ति हर दिन 3,608 करोड़ रुपए बढ़ी है। भारत की 5% आबादी के पास देश की संपत्ति का 60% हिस्सा है और नीचे के 50% लोगों के पास सिर्फ 3% हिस्सा है। आपकी जेब, आपकी गरीबी और आपकी दिन ब दिन बढ़ती मजबूरी के बारे में क्या कहती है ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट, हम आपको बताएंगे न्यूज क्लिक डिकोड्स के इस वीडियो में। 11 महीने से जारी किसान आंदोलन की आखिरकार बिहार की राजनीति में बड़ा फिर बदल देखने को मिल रहा है। टीवी चैनलों पर देश दुनिया के सबसे अमीर आदमी से जुड़ी खबरों को देखकर आप खुश हो सकते हैं, लेकिन ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट से देश और दुनिया में बढ़ती अमीरी के साथ साथ देश में बेहिसाब बढ़ती गरीबी की भी बात की गई है। 16 जनवरी को डावोस के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी। रिपोर्ट की बेसिक बातों को समझ लीजिए। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2012 से 2021 के दौरान भारत की कुल संपत्ति में जो इजाफा हुआ है उसका 40% हिस्सा सिर्फ 1% सबसे अमीर लोगों के पास गया है और नीचे के 50% को क्या मिला है, सिर्फ 3% हिस्सा। इस वक्त भारत में 166 लोग अरबपति हैं। देश के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 54 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतने पैसे से 18 महीने तक के लिए देश का यूनियन बजट बन सकता है। भारत में 10 सबसे अमीर लोगों के पास 27 लाख करोड़ की संपत्ति है जो पिछले 9 सालों में 33% तक बढ़ी है। यह 27 लाख करोड़ रुपए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय के 30 साल के बजट, शिक्षा मंत्रालय के 26 साल के बजट और मनरेगा के 38 साल के बजट के बराबर हैं। रिपोर्ट ने बताया है कि सारा देश और सारी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही थी, नौकरी, घर, जान सब गंवा रही थी, तब भी इन अरबपतियों की संपत्ति बढ़ती रही। 2020 से नवंबर 2022 तक इन अरबपतियों की संपत्ति में हर दिन 3,608 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई, यानी एक मिनट में 2.5 करोड़ रुपए। सवाल यही उठता है कि कोई इतनी तेजी से इतना अमीर कैसे हो सकता है, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट इसमें बैंकों की रहम और दया की भी बात करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में गरीबों से जबरन कर्ज वसूला जाता है, पर सरकारी बैंकों से ज्यादातर कॉरपोरेट्स को जो 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज दिया गया था उसे बैंकों द्वारा माफ कर दिया गया। जीएसटी की बात करें तो भारत सरकार को 2021-22 में 14 करोड़ 83 लाख रुपए जीएसटी के रूप में मिले हैं। ये टैक्स किसने दिया? नीचे की 50% आबादी ने 64% जीएसटी दिया है और सबसे अमीर 10 लोगों ने सिर्फ 3%। अमीरी गरीबी का फर्क लगातार देश में बढ़ रहा है। वहीं 2021 में 1,03,285 करोड़ रुपए के कॉरपोरेट टैक्स बेनिफिट भी दिए गए हैं। ये मनरेगा के 1.5 साल के बजट के बराबर की रकम है। ये आंकड़े हैरान करने वाले हैं। इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने डॉक्टर अरुण कुमार से बात की। ऐसा है कि इस तरह की रिपोर्ट हर साल आती है और बाकायदा ये पिछले सालों में दिख रहा है कि अमीरी और गरीबी के बीच का फासला बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे जो आर्थिक विश्लेषण होता है उसमें तीन तरह की इनइक्वालिटी की बात होती है, एक वेल्थ इनइक्वालिटी, एक इनकम इनइक्वालिटी और एक कंजम्पशन इनइक्वालिटी। तो वेल्थ इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद इनकम इनइक्वालिटी होती है और फिर कंजम्पशन इनइक्वालिटी होती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वेल्थ इनइक्वालिटी की, और क्योंकि गरीब आदमी के पास बचत नहीं होती है तो उसकी वेल्थ तो करीब करीब ना के बराबर ही होती है। जो मिडिल क्लास होता है उसकी थोड़ी बहुत सेविंग होती है, उसकी वेल्थ थोड़ी बहुत बढ़ती है, पर जो अमीर है उसकी बिजनेस इनकम होती है और बिजनेस इनकम से उसको जो सेविंग होती है और उससे फिर उसकी वेल्थ बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि जो अमीर लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। पिछले सालों में पैंडमिक के दौरान भी करीब करीब दुगना हो गया, तो पैंडमिक के बावजूद इन लोगों की वेल्थ, इन लोगों की संपत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ये जो स्टॉक मार्केट है उसमें ज्यादा से ज्यादा 1% लोग उसको कंट्रोल करते हैं, यानी कि इन्वेस्ट करने वाले तो ज्यादा हैं लेकिन जो मतलब ज्यादातर उसमें जो इक्विटी होल्डिंग होती
है वो ये अमीर लोगों की होती है, बिजनेस वालों की होती है। तो अगर हम उसको देखें तो ये साफ जाहिर होता है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है उसकी संपत्ति बहुत तेजी से बढ़ी है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि सिर्फ हम कॉरपोरेट सेक्टर का, स्टॉक मार्केट का या फाइनेंशियल वेल्थ देखें तो वो अपने आप में पूरी गैर बराबरी नहीं दिखाता है। इसके अलावा जो रियल एस्टेट है जिसमें काला धन काफी लगता है, और फिर काली संपत्ति जो है उसका ब्यौरा इसमें नहीं आता है। ये मैं बार बार पिछले सालों से कह रहा हूँ कि जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट है या क्रेडिट स्विस वगैरह की रिपोर्ट आती है जो संपत्ति में गैर बराबरी दिखाती है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अगर हम काले धन की अर्थव्यवस्था को जोड़ लें तो ये जो 1% लोग हैं जो 40% संपत्ति को कंट्रोल करते हैं, वो आंकड़ा 60-70% तक पहुंच जाएगा। तो हमारे देश में गैर बराबरी बहुत ज्यादा है, और उसके पीछे सफेद अर्थव्यवस्था तो है ही पर काली अर्थव्यवस्था भी एक कारण बन गया है। और जो गरीब आदमी है उसकी समस्या ये है कि उसकी जो आमदनी इतनी कम होती है, जैसे कि अभी ई श्रम पोर्टल में 28 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं जिनके आंकड़े आए हैं, तो उन्होंने दिखाया है कि 94% ने लिखा है कि वो 10,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं, जो कि एक तरह कहा जाए तो जो वर्ल्ड बैंक की जो नई पॉवर्टी लाइन है $2.15 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, उससे भी कम है। तो ये दिखाता है कि देश में करीब 90% लोग तो गरीब हैं। और ये पैंडमिक के दौरान जो आंकड़े सामने आए कि 90% लोगों ने कहा, वर्कर्स ने कहा कि हमारे पास इतनी बचत नहीं है कि हम एक हफ्ते का सामान अपने घर के लिए खरीद पाएं। तो ये दिखा रहा है कि जो गरीब आदमी है उसके पास संपत्ति नहीं होती है या ना के बराबर होती है। कुछ थोड़ा बहुत घर बन गया, कुछ हो गया तो उसको मान लिया जाता है कि उस संपत्ति है, लेकिन वो उसका टेन्योर भी बड़ा अनसर्टेन होता है और वो एक तरह से बिल्कुल ही ना के बराबर उनकी संपत्ति होती है। तो ये जो जो गैर बराबरी बढ़ रही है वो इसी उस पर बढ़ रही है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो बिजनेस को सपोर्ट करने वाली हैं, जिसको हम सप्लाई साइड नीतियां बोलते हैं। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बहर ने कहा है कि अमीरों के पक्ष में खड़ी व्यवस्था में दलित, आदिवासी, मुस्लिम, महिलाएं, अनौपचारिक क्षेत्र के मेहनतकश बढ़ती कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि अमीर वर्ग पर टैक्स बढ़ाकर उनसे समुचित हिस्सा प्राप्त किया जाए। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अपील की है कि ये संपत्ति और इनहेरिटेंस टैक्स जैसे टैक्स लाए जाएं जिससे इनइक्वालिटी यानी गैर बराबरी कम हो सके। सवाल उठता है कि आगे का रास्ता क्या है। ऑक्सफैम ने भारत सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं और कहा है कि अगर अरबपतियों की संपत्ति पर सिर्फ 2% टैक्स ले लिया जाए तो उस पैसे से अगले 3 साल तक देश की कुपोषित आबादी को उचित पोषण दिया जा सकता है। अगर सिर्फ 1% वेल्थ टैक्स लगाया जाए तो उससे 1.5 साल तक भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य स्कीम नेशनल हेल्थ स्कीम को फंड किया जा सकता है। अगर टॉप 100 अरबपतियों पर 2.5% और टॉप 10 पर 5% टैक्स लगाया जाए तो इससे देश के 15 करोड़ से ज्यादा बच्चों को स्कूल भेजा जा सकता है। अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब और भी गरीब, ये जुमले हम हर साल ऐसी रिपोर्ट्स आने पर सुनते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, मगर पानी शायद इतना ऊपर चला गया है कि इस गैर बराबरी से निपटने की योजनाएं हमें नजर भी नहीं आ रही हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए newsclick.in को। हमारा सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखने के लिए शुक्रिया।